ये हमारा जो क्रीम है ये है बॉडी डिटेन क्रीम। ये फुल बॉडी आप डिटेन कर सकते हो, मतलब आपके स्किन टैन हो चुकी है, अनइवन स्किन हो चुकी है, या फिर मॉनसून में भी स्किन हमारी डार्क हो जाती है क्योंकि मॉइस्चर ज्यादा रहने की वजह से, हाइड्रोजन ज्यादा रहने की वजह से हमारी स्किन डार्क हो जाती है, तो उसमें ये आपका बॉडी डिटेन क्रीम आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं हूँ मीनल और स्वागत है आपका ओरा ब्यूटी केयर में। ओरा ब्यूटी केयर में हेयर केयर, स्किन केयर और फैशन रिलेटेड वीडियो डाले जाते हैं और इसमें हम 100% रिजल्ट लेते हैं विद अफर्मेशन। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी हम ये रेमेडीज बनाने के लिए हमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स चाहिए मिल्क। यहाँ पे मैंने रो मिल्क लिया हुआ है, वैसे कोई भी मिल्क हो तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, गर्म ही करना है बाद में हमें। तो यहाँ पे 1 ग्लास हमें मिल्क लेना है। मिल्क लेने के बाद इसके अंदर हमने यहाँ पे डव जो साबुन आता है उसको हमें ग्रेटेड किया है मैंने यहाँ पे, तो डव साबुन ही लेना है यहाँ पे, डव सॉप ही लेना है। स्किन को सॉफ्ट स्मूथ बनाता है ये, और इसमें ऐसे ज्यादा हार्मफुल कोई केमिकल्स भी नहीं होते हैं, तो ये स्किन के लिए जेंटल है, इसलिए यहाँ पे मैंने डव का सॉप लिया हुआ है। तो डव का सॉप ग्रेट करके हमें रखना है और उसमें हमें जैसे ही मिल्क गर्म होने को आए उसके अंदर हमें डाल देना है। तो यहाँ पे 3 स्पून हमें डव का सॉप लिया हुआ है, ग्रेट किया हुआ, फिर इसमें हम डाल देंगे। फिर धीरे धीरे हमें इसको स्पून की हेल्प से मिक्स करना है, स्टर करते रहना है, क्योंकि हमें जो डव का जो सॉप डाला है वो इसमें मिक्स हो जाना चाहिए, अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। जैसे ही वे मिक्स हो जाए फिर इसके अंदर हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर नहीं है तो स्टार्च कोई भी हो तो आप उसे डाल सकते हो। तो यहाँ पे कॉर्नफ्लोर मैंने डाला है, 2 स्पून यहाँ पे कॉर्नफ्लोर डालना है। 2 स्पून कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हमें तुरंत हमें पूरा हमें स्टर करते रहना है, कंटिन्यू हमें स्टर करना है। आप देख सकते हो पूरा ऐसे क्रीमी फोम लगने लगा है, तो जहां जब तक आपको एक थिक पेस्ट ना बन जाए तब तक आप इसको स्टर करते रहना है। तो आप देख सकते हो कि पूरा एक क्रीम बेस हो चुका है। अभी हम इसको गैस बंद करके नीचे ले लेंगे और उसके बाद फिर इसके अंदर अभी हम डालेंगे चीज क्यूब। सुन के थोड़ा स्ट्रेंज हुआ ना, चीज क्यूब और इसके अंदर, क्योंकि चीज में ऐसे बेनिफिट हमें मिलते हैं स्किन को टैन रिमूव करने में, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने चीज लिया हुआ है। चीज यहाँ पे क्यूब है तो 1 क्यूब डाल दीजिए। मेरे पास स्लाइस था तो मैंने स्लाइस डाल दिया, तो 1 स्लाइस मैंने डाला है। अगर क्यूब है तो आप 1 क्यूब डाल दिए, 1 क्यूब डाल दीजिए। और फिर क्यूब डालने के बाद फिर इसको आप थोड़ा सा मिक्स करते हैं, क्योंकि गरम गरम में ही डालना है तो वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो कंटिन्यूस इसको चलाना है हमें, ताकि वो जो हमने चीज डाला है वो मेल्ट हो जाए और उसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अभी हम इसके अंदर डाला है मिल्क। तो मिल्क क्या करता है, मिल्क में ऐसी प्रॉपर्टीज रहती है जो इंस्टेंटली हमारे स्किन का टैन रिमूव करता है, तो इसलिए मिल्क लिया है। कॉर्नफ्लोर में ब्लीच की प्रॉपर्टीज रहती है, तो वो ब्लीच की प्रॉपर्टीज रहती है तो वही हमारे स्किन का टैन रिमूव करता है। अनइवन स्किन हो गई है तो उसको रिमूव करता है, स्किन लाइटनिंग में बहुत ही इफेक्टिव होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने डव का सॉप भी डाला है, तो डव क्या करता है, स्किन को क्लीन कर देता है, मॉइस्चराइज भी करता है और स्किन को क्लीन करता है। इसके लिए यहाँ पे हमने डव लिया है और इसके अंदर ऐसे भी इंग्रेडिएंट्स रहते हैं जो सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स होके एक ऐसा पेस्ट बनता है जो हमारे टैन को रिमूव करने में हेल्पफुल होता है। फिर इसके बाद हमने जो चीज डाला है, तो चीज भी हमने, मैंने बोला कि जैसे चीज में ऐसी प्रॉपर्टीज रहती है, वो मिल्क में से ही बनाया हुआ है अगेन, तो उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज रहती है जो हमारा टैन रिमूव करने में हमें हेल्प मिलती है और हमारा जो अनइवन स्किन हो गया है तो उसमें भी हमें बहुत हेल्प मिलती है। तो यहाँ पे इसीलिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं। अभी इसको ठंडा होने देना है, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, उसके बाद आप इसको ऐसे जार में, कांच के जार में ही इसको भर देना है। अभी इसको आप फ्रिज में के लॉन्ग टाइम के लिए भी यूज कर सकते हो। तो अभी इसको अप्लाई कैसे करना है, तो जैसे आप नहाने जाते हो उससे पहले 10 मिनट पहले आप पहले ही लगा लीजिए, पूरे बॉडी में लगा सकते हो विद फेस। हाँ, क्वेश्चन, अगर आपको कोई भी स्किन के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आप पैच टेस्ट कर लीजिए, उसके बाद फिर इसको यूज करिए। अगर आपको कोई स्किन की प्रॉब्लम है, कोई एलर्जी हो रही है, तो प्लीज इसको यूज मत करिएगा। तो जैसे आपका है उस हिसाब से आप इसको
यूज करिएगा तो पेच टेस्ट कर लीजिए, अगर आपको कोई रिएक्शन वगैरह कुछ नहीं होता है तो आप कर सकते हो। बाकी इसमें ऐसी कोई चीज है नहीं कि जिससे आप स्किन में रिएक्शन हो गया। डव के हम डव सॉप से तो हम ऐसे ही नहाते हैं तो कोई प्रॉब्लम तो होता नहीं है। फिर हमें क्या करना है, जैसे हम नहाने जाए उससे पहले पूरे बॉडी में हमें लगा लेना है। लगाने के बाद हमें पूरा अच्छे से मसाज करना है। एक 2-3 मिनट्स तक हम मसाज करेंगे, 2 मिनट्स हम मसाज करेंगे और 3 मिनट्स इसको हमें रहने देना है अपने बॉडी में और उसके बाद फिर हम नहा लेंगे। तो ये आपको करना है वीक में एक बार। वीक में एक बार करेंगे तो पूरा आपके वीक का जो भी टेन है, आपका जो भी अन इवन स्किन हो गया है तो पूरा निकल जाएगा और आपको बहुत आपकी स्किन इवन हो जाएगी। आपको रेगुलर इसको यूज करोगे तो आपकी स्किन इवन हो जाएगी और आपका टेन भी रिमूव हो जाएगा। हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपकी स्किन व्हाइट हो जाएगी, आपकी स्किन दूध जैसी गोरी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्किन गोरी करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट स्किन का टेक्सचर अच्छा हो जाना चाहिए, स्किन ग्लो दिखनी चाहिए। तो स्किन में एक जो प्रॉब्लम होती है स्किन की वो नहीं होनी चाहिए। बाकी कलर तो जैसा भी हो अच्छा हो तो भी चलता है। जैसे मेरा डार्क कलर है तो आई एम हैप्पी विथ माई कलर, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बस वही होता है, इस कलर तो अपना अपना रहता है। तो बस इसी तरह से हमें इसको यूज करना है और आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको इसके रिजल्ट्स कैसे मिले। और अगर आपकी स्किन और हेयर के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे साथ जरूर शेयर कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ऑरोबेटिके और मेरा फेसबुक पेज है ऑरोबेटिके, तो वहां मुझे फॉलो कर सकते हो, डीएम करके आपके प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।